नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मालदन में हाल ही में बनी रोड क्षतिग्रस्त होने से जनता में भारी आक्रोश है। जनता ने की रोड की जांच कर कार्रवाई की मांग। रामनगर के मालदन क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व मालदन चौड़ से गांधीनगर को लगभग 3 किलोमीटर की रोड का निर्माण किया गया था। इस रोड के बनने से लगभग 20 गाँव को लाभ मिलता, लेकिन ये रोड बनते ही क्षतिग्रस्त हो गयी। रोड के निर्माण के समय भी मालदन की जनता ने इस रोड की गुणवत्ता को लेकर जमकर विरोध किया, लेकिन किसी भी आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अब फिर मालदन की जनता इस रोड पर हो रही पैसिंग का जमकर विरोध करते हुए सूबे के नए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग कर रही है। आपको बता दें, इस रोड के निर्माण के समय चल रही हॉट मिक्स मशीन पर घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग का मामला सामने आया था, जिसको रामनगर पूर्ति निरीक्षक दीप चंद बिलवाल ने ग्रामीणों के विरोध के बाद हॉट मिक्स मशीन पर इस्तेमाल हो रहे 8 घरेलू सिलेंडरों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसमें क्या कार्रवाई हुई इसकी कोई सूचना नहीं है। लगभग 1 साल पहले बनी इस रोड पर कई बार पैसिंग की जा चुकी है, जो कि रोड की गुणवत्ता में सही ना होने का प्रमाण है। हाल ही में फिर इस रोड पर पैसिंग कार्य चल रहा है और जनता जमकर विरोध कर रही। जनता का विभाग पर सीधा आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से इस रोड में मालदन की ढेला नदी का रेत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये रोड बार बार टूट रही है। हाल में रोड पर हो रही पैसिंग कार्य में भी ढेला नदी का रेत इस्तेमाल हो रहा है। वही मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि रोड मानकों के अनुरूप बनी है। अधिकारियों को यह दलील किसी के गले नहीं उतर रही है। अगर रोड में धांधली नहीं हुई है और मानकों के अनुरूप बनी है, तो फिर इतने कम समय में रोड बार बार क्यों टूट रही है? अधिकारी जो बयान है जनता को एक आंख नहीं भा रही। आप जांच करवा लीजिए, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सकता हूँ। मेरा फाइनल और लास्ट वर्क है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखी, पूरी गाइडलाइंस का फॉलो कर रखा है। विरोध करना और वो जताना वो अपना आपसी है, उसके लिए हम नौकरी नहीं कर रहे। हम नौकरी जिस काम के रखे वो कर रहे, हमारी गुणवत्ता सेटिस्फैक्ट्री है। सर, जैसे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ग्रामीण अभी मौजूद हैं मौके पे, आपने भी सर वो मुझे अब मेरे ठेकेदार और ग्रामीण के बीच क्या लड़ाई है, या मैं नहीं आया हूँ एक दिन भी एब्सेंट रहता हूँ तो मेरे से कह सकते हैं सर। अब मेरे ढेला की एब्सेंट की बात नहीं है, बात गुणवत्ता को लेकर है। गुणवत्ता की सर मैं आपसे विनम्र मेरा निवेदन है कि आप जाँच करा लीजिए। जो पनिशमेंट होता है उसके लिए मैं भरने को तैयार हूँ। किसी भी एजेंसी से आप जाँच करवा लीजिए इस सड़क की, जो DPR है उसके जो मानकों के हिसाब से नहीं बननी है। सर, अगर मानकों की गुणवत्ता में अगर इसमें कमी पाई जाती है DPR जो आप कह रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, क्या कार्रवाई की जाएगी? वो सरकार को जो करना होगा वो करेगी। जो हमारे विभागीय अफसर है, वो मेरे विरुद्ध जो मैंने मेरे कहने कहीं गलती हुई है, जो मैंने जानबूझ के अगर कोई गलती की, या मैं ठेकेदार से मिला हूँ, या मेरा कुछ है, या मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो वो उसकी गलती उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर नहीं किया है, मैंने ईमानदारी से अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपना काम निभाया है, तो ये सर ये आपको ये सड़क बता देगा। सड़क ये धस्ती रहती है, 3 साल इसमें रिपेयर के लिए आ जाता है। हम तो ये रिपेयर ऐसा है कि ठेकेदार के हमने अभी तक बिल पेमेंट नहीं कर रखा है कि ये धस रही है तेरी सड़क, तो लगे हमने ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया। तो सर, अगर सरकार का लॉ है कि 1 साल तक सरकार जो ठेकेदार की है वो देख रेख करेगा, तभी उसका पेमेंट होगा। ये अभी ठेकेदार का हमने फाइनल तक नहीं किया सर। आप चाहे मेरा आपसे उसका एक ही रिजल्ट है सर, मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि आपको अगर जांच कराने हैं तो जांच करवा लीजिए। बनी थी एक्चुअली जब इसका निर्माण कार्य हुआ था, कई जगह वाटर लॉक्ड एरिया होने के कारण जो है रोड कहीं बैठ गई है, तो दोबारा हम उसका ठेकेदार के द्वारा अपने उसके खर्चे पर, ठेकेदार के खर्चे पर जो है जगह जगह सरकार जहाँ बैठी हुई है रोड को दोबारा ठीक करवा दी। सर, ये तीसरी बार पेजिंग हो रही है सर इस पर, जब से रोड बनी है? तो जब से मैंने चाह लिया, मैं तो पहली बार इसमें जो रिपेयर का कार्य करवा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से आदेश थे कि भाई रोड को ठीक करवाइए, और ठेकेदार के फाइनल बिल भी इसका नहीं हुआ है, तो ठेकेदार के माध्यम से तो दोबारा जहाँ जहाँ इसमें जो भी कमियां हैं उसको ठीक करवा। सर, जहाँ जहाँ की आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, ये रोड लगभग 90% टूटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है, 90% तो नहीं है। जहाँ पे पेजी हुई है, हमारे लिसाचे अभियंता महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया, हमारे मुख्य अभियंता स्तर से भी इसका निरीक्षण किया गया है। जहाँ जहाँ पर जो भी निर्देश हमको प्राप्त हुए उसी हिसाब से हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे जिन मानकों की बात कर रहे हैं, अभी आपके जो है जेई साहब ने कहा कि इसकी जो है गुणवत्ता की आप जांच करा लीजिए, अगर गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो क्या आपके द्वारा उस अधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी? DPR में जो प्रावधान किया गया था उसी अनुसार, भाई ऐसा है कोई भी विभाग DPR के अनुसार चलता है। जब इसका DPR बना था, इसका एस्टिमेट बना था, उसी के अनुसार जो भी कार्य हुआ है वो एस्टिमेट के आधार पर हुआ होगा। अब अभी जो क्योंकि वाटर लॉक्ड एरिया होने के कारण और जगह का पाइपलाइन होने के कारण जहाँ जहाँ पर सीपेज के कारण रोड बैठी हुई है, उस जगह में हम इसको दोबारा करवा रहे हैं। सर, आपका कहने का मतलब है कि इसका जो काम हुआ है एस्टिमेट के हिसाब से काम हुआ है? हाँ। मतलब आपका सीधा आरोप है कि यहाँ पे एस्टिमेट जो है कम दिया गया है,
और जो है लागत बहुत ज्यादा आई है। उस समय जो डीपीआर बने उस हिसाब से, भाई डीपीआर उस समय जो बनी होगी उस हिसाब से कार्य हुआ है, तो कोई ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नीचे जीएसबी का प्रोग्राम, तो जीएसबी डाली गई है। सर जिस सीवन की आप बात कर रहे हैं, ये क्या जहाँ पे पानी रोडों के किनारों में होता है, क्या वहाँ पर रोडें बनती है तो जल्दी टूट जाती है? नहीं तो ऐसा है ना, या तो पक्की नाली बने दोनों ओर से तब तो ठीक है भाई, जो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से पानी जो नीचे से जाता है रोड के, तो मिट्टी को जो है गीला करता है और रोड जो वहाँ पर स्लज बैठ जाती है। लेकिन सर यहाँ नाली तो बनी हुई है सर, एक साइड में कच्ची नाली है, पक्की नाली नहीं बनी, ये तो कच्ची नाली है। सर जिस पाइपलाइन की आप बात करें उस पाइपलाइन से रोड को टूटने का क्या कनेक्शन है? वो क्योंकि पाइपलाइन प्लास्टिक की पाइपलाइन है, अभी हमने कई जगह मेरे पास वीडियो भी उसकी पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ पर रोड खुद को हमने दोबारा उस पाइपलाइन को ठीक किया है जल संस्थान के माध्यम से, दोबारा हमने वहाँ पर जो है पिचिंग कार्य किया हुआ है। मतलब आपका कहने का है कि जो रोड बन रही है मानकों के अनुसार बन रही है? अब डीपीआर के अनुसार तो भाई हमारे जो भी जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने डीपीआर के अनुसार तो बनवाई है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई डीपीआर के अनुसार न बन रही। मतलब ये जो रोड गलत बन रही है इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार बड़े अधिकारी है? ना ना ऐसा कुछ नहीं, बड़े अधिकारी क्यों होंगे भाई, वो तो सबसे इसका नहीं, आप डीपीआर की बात कर रहे हैं ना कि डीपीआर कम के कारण है कि दोनों ओर वाटर लॉक्ड एरिया होने के कारण जो है रोड का बैठना मेन कारण है। सर वाटर लॉक्ड का एरिया अगर हम माने हम, तो इस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बरसात में वाटर लॉक्ड का पानी मान सकते हैं, लेकिन रोड इस समय टूट रही है उस बारे में आपका क्या कहना? अभी नहीं टूटी रोड, तो ये बरसात के बाद टूटी है ना, इसलिए हम दोबारा बरसात के बाद ही इसका रिपेयर करवा रहे हैं। और सर जैसे अभी हमने मौके पे देखा कि इसको जो है यहाँ पे जो गलत रेता गलत मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, आपके सामने ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर की जो है ये हम तो क्रशर का रेता मंगवा रखा है सुबह अपने सामने, मैं तो अभी आया हूँ तो मैंने देखा तो पूरा क्रशर का रेता दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। जनता कह रही है कि सर यहाँ पे जो है रोड का जो है पैंची की जा रही है रोड पे, इसमें आपका जो विरोध है वो किस कारणों को लेकर? हमारा तो ये है शासन प्रशासन से कि हमारी सड़क को जो है दुरुस्त किया जाए, नए तरीके से सिरे से सही बन जाए, और हमारा और कोई विरोध नहीं है, जो इसमें गुणवत्ता विहीन सड़क बनी है गुणवत्ता की तहत बन जाए, और जिन लोगों ने इसमें सड़क बनाने में लापरवाही बरती है उनके प्रति सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सर जय साहब का कहना है कि रोड जो है नियमों के अनुसार बनी हुई है, जो जिन मानकों के अनुरूप बननी थी उससे बनी हुई, जाँच करा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक, हम कह रहे हैं अगर जो उसमें आपके इस्टीमेट में है पीडब्ल्यूडी आर एन के एस्टीमेट में है, उस एस्टीमेट के आधार पर अगर ये सड़क बनी है तो टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उस एस्टीमेट पर अगर ये सड़क बनी है तो टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सड़क उस एस्टीमेट में मानक पे बनी नहीं है, इसलिए ये टूट रही है बार बार।